बज रहे हैं शाम के 4 और हमारा जो होटल है उसके पास में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने गली है। तो हम लोग अभी चाय पी रहे थे तो एक बच्चा था, उसने पूछा कि आप यूट्यूबर हो, मैंने बोला हाँ। तो उसने चैनल भी सब्सक्राइब किया, आसपास ही 2-3 लोग थे, आसपास लोगों ने करवा दिया, उन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया। और उन्होंने हमें बताया कि हॉस्पिटल के सामने एक गली पड़ती है और वहाँ से जाओगे तो आपको काफ़ी सारे पुराने ब्लू जो मकान है वो मिलेंगे। अभी तो काफ़ी सारे लोग उसको ब्लू में से कन्वर्ट करा रहे हैं, पर ब्लू इसीलिए करते हैं ताकि ऐसा बोलते थोड़ा ठंडा रहता है गर्मी में, और दूसरा कि मच्छर और वो जो होते हैं ना वो नहीं आते समर में या फिर विंटर में कभी भी, तो वो फायदा रहता है, इसीलिए घर को ब्लू करवाते हैं। अब देखते हैं ब्लू देखने को मिलता है या नहीं। यू कैन सी यहाँ से जो पूरा है ना, पूरे का पूरा सारे के सारे घर है ना ब्लू है। आंटी आपका घर भी यहीं पे? आपका भी ब्लू है? अच्छा, क्यों ये ब्लू क्यों करवाते हैं कलर? ठंडा रहता है। सो बस वही है ओल्ड सिटी में जहाँ पे हमारी होटल है, लकीली ओल्ड सिटी में हमारी होटल है। तो हाँ। वहाँ से 200-300 मीटर है, काफ़ी सारे घर है वो ब्लू है, मतलब ब्लू बना रखे, काफ़ी लोगों ने ब्लू कलर हटवा भी दिया है। क्यों? लेकिन पता नहीं है, वैसा ही कि सब लोग ब्लू ब्लू ही करे तो कुछ नया करवाएंगे ना वो लोग, नया कलर करवाएंगे, हाँ इसलिए ब्लू हटवा दिया। बट वही है सारे घर ब्लू है। अगर पर दूसरा ये है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत मस्त लगेगा, जैसे मैंने आपको व्यू दिखाया था मेरी होटल से, बहुत मस्त इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भी है। हाँ इंस्टाग्राम पे हमारी पिक्चर्स भी है, सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ऊपर से जो हमारी होटल से व्यू आता है ना वो बहुत मस्त होता है। अगर आपको वही सेम व्यू चाहिए देन आपको किसी घर में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई आपको ऊपर जाके वो व्यू देखने दें। तो ये वो हॉस्पिटल जिसके सामने वाली ये गली थी, अंदर ये हॉस्पिटल है उसके सामने जो गली है वहाँ पे अंदर जाना, और वहाँ पे वो ब्लू हाउस है। अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है और देखना भी कैसा लगता है, इसके सामने वाली गली में अंदर चले जाओ, मिल जाए आपको वो सारे हाउसेस। तो ये जो फोर्ट वाली दीवार है उस दीवार से लगते लगते चले जाओ, वो जो बाइक वाला जा रहा है अंदर लेफ्ट साइड, वहाँ लेफ्ट साइड जाना, ऊपर ऊपर चढ़ते जाए तो ना सब आगे से आते हैं, हमारा होटल पीछे थे, से हम पीछे नहीं, मतलब अगर आप अंदर आ रहे हो ओल्ड सिटी में फोर्ट देखने के लिए तो फोर्ट ओल्ड सिटी पचेतिया हिल्स और ये ब्लू हाउसेस और वो सब आप सब एक साथ देख सकते हो। तो ये लेक भी है तो सब आप एक साथ देख सकते हो। तो इन पतली पतली जोधपुर की गलियों में एयर होस्टेस मिल गई हमें, इंडिगो की थी शायद। अच्छा रास्ता बताए और एक फास्ट लोकेशन बताए जहाँ पे न्यू पेंटिंग हुई दीवार पे, तो हम लोग वो भी देखने जाएंगे। बट बहुत ही सिकरी गली है ना ऐसे, तो जैसलमेर मतलब राजस्थान में ओल्ड सिटीज़ में सब ऐसे ही होती है। वही बात है आपको राजस्थान की, एक्सरसाइज हो गई भाई आज। और अभी हमने 11,000 से ज़्यादा स्टेप चल लिया आज के दिन में, मौत आ गई हमको, मौत मज़ा आ गया, अभी तो काफ़ी ऊपर जाना है। तो अभी हम लोग आए हैं सनसेट पॉइंट पे और दोनों जो दीवार है उस पर मस्त ग्रैफिटी की गई है, लेट मी शो यू। मंदिर के ऊपर आए और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो वो ओल्ड सिटी है पूरा, जो पूरा पहाड़ पे घर बने हुए हैं। एंड दिस इज़ द ओल्ड सिटी, यहाँ पे हम लोग सनसेट का व्यू देखने आए हैं। एंड दिस इज़ द एंटायर न्यू सिटी। अभी हम लोग आए थे ज्वालामुखी माता जी का जो मंदिर है वहाँ पे सनसेट पॉइंट पे लास्ट में आता है, और यहाँ पे डोनेशन, मतलब उनकी बात सही है कि थोड़े पैसे दे के आओ माता जी को, क्योंकि मेंटेनेंस भी करना होता है मंदिर वो सब, तो मेंटेनेंस का पैसा दे के आप यहाँ पे सनसेट पॉइंट जहाँ पे अभी आपने सनसेट देखा वहाँ सनसेट पॉइंट है, वहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो मंदिर में अंदर आ जाना,
उनको मंदिर में जो 20-50 रुपये आप चढ़ाने वो चढ़ा देना, ताकि पंडित जी थोड़े खुश हो जाए, और ऊपर आके बैठो आराम से, पंडित जी से बातें करो और बस सनसेट एंजॉय करो। हम लोग नीचे तो उतर गए, बहुत ही मस्त है, ब्लू कलर की वॉल्स है, पूरी पेंट की गई है और उसके ऊपर लोगों ने ड्राइंग्स बनाई है, बहुत ही अमेजिंग है। और हम लोग अभी किसी स्टेपवेल पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे, वो जो छोटा बच्चा मर रहा था उसने बोला एक स्टेपवेल है नीचे उतर जाओ, स्टेपवेल है, और एक कौन सा रेस्टोरेंट बोला उसने, विजय रेस्टोरेंट बोला, वहाँ पे कुछ चीज़ें फेमस मिलती है, तो चलते विजय रेस्टोरेंट और ट्राई करते हैं कुछ फेमस डिशेज यहाँ की। अंजलि को यहाँ रास्ते में एक फॉरेनर मिल गया जो हमारे साथ वहाँ पे था सनसेट पॉइंट से, उससे बातें करी, मतलब मुझे छोड़ के फॉरेनर से चिपकी हुई ये भी। अब आ रहा है प्रॉपर टूरिस्ट वाला मज़ा, क्योंकि मस्त अंदर गलियों में से हम लोग जा रहे हैं स्टेपवेल की तरफ। अब स्टेपवेल आ ही नहीं रही, 500 मीटर दिखा रहे कब से घूम रहे हैं, बट बहुत ही मज़ा आ रहा है, छोटी छोटी गलियाँ, इतना सारा ट्रैफिक है, इट्स वेरी लाइवली। फाइनली आ गए हमारे दिन के लास्ट डेस्टिनेशन पे, क्लॉक टावर, जिसे घंटाघर भी बोलते हैं। रात को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे वो बंदे ने भी बोला था कि रात को विजिट करें, रात को ज़्यादा अच्छा दिखा था आपको, कितना मस्त लग रहा है अभी। तो अभी हम लोग विजय रेस्टोरेंट पाए और मलाई रोटी मंगवाई है, इट्स अ स्वीट डिश, तो टेस्ट करके अंजलि बताए, टेस्ट करके कैसा लग रहा है? लग तो वो भुर्जी ऐसा लग रहा है, ऑमलेट जैसा, केसर दूध टाइप होता है ना रोटी के ऊपर, केसर दूध डाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो वर्थ इट, टेस्टी है। उसके अलावा हमने यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी और नान मंगे, वो बोले नान के साथ टेस्ट करवा जाएगा, तो वो भी जब आएगी तो आपको टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं, नहीं मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। रबर वाली रबड़ी खा रहा है सर, अच्छा है, मतलब आप यहाँ पे आ रहे हो तो टेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली, अच्छा है विजय रेस्टोरेंट। तो फाइनली पहुँच गए होटल, हमारे अभी बज रहे हैं रात के 8:30 पर, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं सदियों से घूमे जा रहे, इतना लंबा दिन था, बहुत लंबा दिन था। हाँ फाइनली उस रेस्टोरेंट में भी खाना खा लिया, मतलब ओके है, जो हमने स्वीट मंगवाई थी वो स्वीट क्या था उसका नाम, मलाई रोटी वो एक अच्छी थी, बाकी तो रेस्टोरेंट, हर रेस्टोरेंट में आपको ये सब्जी मिल ही जाएगी, जो सब्जी हमने खाई है, गट्टे की सब्जी खाई थी, गट्टे की सब्जी मुझे कुछ अलग लगी, मतलब गट्टे बहुत हार्ड से थे, कुछ थोड़ी डिफरेंट सी थी, बट एनीवेज गाइस आज का दिन यहीं पे रखते हैं, कल का जो प्लान है वो कल बताएंगे, अभी पहुँचते होटल और लुढ़क जाते डायरेक्ट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो डे 2 का व्लॉग लाए हो उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले, एंड ड्रोन की एक और अपडेट है जो मे भी आपको मिल गई होगी, नहीं मिलेगी हमें नहीं पता कब आएगी, मिलता है आपको क्यों ड्रोन आ गया, तुमको कहाँ से मिलेगी, अरे वही तो बोलो पता नहीं ना, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।